जिंदाबाद जिंदाबाद। भैया की समस्या दूर करो दूर करो। गरियाबंद से बड़ी खबर आ रही है। गरियाबंद के हृदय स्थल गांधी मैदान पर जिले के पटवारी ने पूर्व में लंबित अपने मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गया। देखिए पूरी खबर। राजस्व पटवारी संघ ने अपने समस्याओं के लेकर के पूरे स्टेट लेवल पे शासन को प्रशासन को अपनी समस्याओं को लैपटॉप है और भूया की समस्या के लिए संसाधन उपलब्ध कराने बिना विभागीय जांच के FIR PTA स्टेशनरी भत्ता आदि विभिन्न 9 मांगों के लिए चरणबद्ध कार्यक्रम से चेतावनी दी थी, लेकिन प्रशासन के कान में आज तक जू न रेंगने के कारण हमको अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठने के लिए बाध्य किया गया है। भूया की समस्या जो है वो दूर करने के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं और उसमें कंप्यूटर भी चाहिए हमको और फिक्स PTA जो 10 साल पहले 250 है उनकी भी मांग कर रहे हैं हम लोग 1000 हो और वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति भी हमारी मुख्य मांगों में शामिल है और वेतन विसंगति है, अतिरिक्त हल्कों का भी आधा हम लोग इस बार पेमेंट मांग रहे हैं। आप लोग की ये कब तक रहेगी ये हड़ताल? ये हड़ताल एक्चुअल में 3 चरणों में चल रहा है। पहले चरण में हम लोग 1 तारीख को सांकेतिक हड़ताल एक जोशी किए थे, उसके बाद 2 तारीख से 13 दिसंबर तक काली पट्टी बांधकर विरोध किए थे और उसके बाद भी शासन प्रशासन द्वारा कोई भी प्रकार सकारात्मक जवाब नहीं मिला, तो अब 14 दिसंबर से हड़ताल अनिश्चितकालीन जारी रहेगा।